नमस्ते, साइन अप स्क्रीनर्स फाइन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। इब्राहिम चीची हमारे ट्राइजनल न्यूरालजिया के पेशेंट है। इनकी सर्जरी होके लगभग 14 दिन हुए हैं। उनकी मिसेस आज हमारे साथ है। उनका जो सर्जरी का एक्सपीरियंस है और बिफोर सर्जरी उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो आज हमारे साथ बातचीत करने यहाँ पे आए हैं, तो हम इनके साथ बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इब्राहिम भाई आसम वाची जी। अच्छा, क्या तकलीफ हो रही है आपको? मेरे पूरे गाल पे आज से 2013 से दर्द होता है। गोली पीता हूँ तो काम चलता है, गोली नहीं पीता हूँ वेजिटॉल ब्रश, पहले तो ब्रश करने से दर्द होता है, फिर पंखे की हवा से दर्द होता है, फिर पानी डालने से, मुंह धोने से दर्द होता है, फिर तौलिया लगाने से दर्द होता है, गाड़ी चलाते तो हवा लगने से दर्द होता है, पंखे की हवा से दर्द होता है, और खट्टा खाने से कुछ होता है तो दर्द हो जाता है। इनके साइड इफेक्ट बहुत है दवाई लेने के। काम में कुछ सुस्ती आ जाती है, नींद बहुत आने लगती है, और दिमाग एकदम चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ नॉर्मल भी अपने कोई बात जवाब दे, बात करनी हो जाए तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। दवाई की ये सब साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, और इनके बिजनेस पे भी बहुत असर आता है उसका। जा नहीं पाते, कोई काम करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जब तक वो पेन रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं होता है दवाई लेने के बाद, तब तक ये कुछ कर नहीं पाते। वहां तक बस उनको सोने का मन होता है और सो जाते हैं। डायरेक्ट एसी की हवा नहीं चल सकती है, ठंडा खट्टा, यानी टमेटो सॉस जैसा भी है, मीठा भी, केचप कोई चीज के साथ लेना चाहते तो नहीं ले पाते। गरम रमजान में भी इवन रोजा रखो तो ये बिल्कुल हर चीज टेम्परेचर वाली लेते हैं। खाना पीना पड़ता था, कोई भी डेजर्ट नहीं ले पाते, और खाने पीना कई बार खाना ऐसे रखता हूँ बहुत तकलीफ होती है, चाबने से तकलीफ होती है, और बोलने से तो बहुत ही तकलीफ होती है। तो अभी भी दर्द हो रहा है? अभी बात कर रहे हैं तो अभी भी ऑलरेडी है, थोड़ा थोड़ा है। अभी मैं 600 बार की मेजेटोल लिए हैं, ऐसा 600 लिया हूँ तो मैं इतना बोल रहा हूँ, काफी सीवियर हो गया है जी। गूगल पर ऐसे कुछ सर्च किया ट्राइजनल न्यूरालजिया के बारे में जानने के लिए, तो सर की बहुत काफी वीडियो आई, कुछ पेशेंट के मैंने रिव्यू देखे, ऑपरेशन वाले जिन्होंने ये बीमारी के लिए कराया है, सर की वीडियो देखी, उनकी जो सब जो उन्होंने अंदर जो एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये होता है और इसका क्या अंदर हम सर्जरी करते नहीं है, कैसे दर्द जाता है। तो फिर हमने वैसे सर्जरी का तो डॉक्टर हमारे सूरत में भी बोलते थे पहले कि इसका लास्ट इलाज तो सर गोली अगर नहीं खानी है तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन ये है थोड़ी रिस्की, इसलिए हम टालते रहे। लेकिन उस टाइम पे इतना जरूरी भी नहीं था, क्योंकि थोड़ा जब दवाई लेते थे मेजोरल लिए तो कम था, जब 200 मिलीग्राम की लेते थे तब, लेकिन वो पेन रिलीफ दे देता था, हो जाता था कुछ टाइम के बाद, वो कुछ टाइम तक वो होता भी नहीं था। लेकिन जैसे कोई ठंडी विंटर की सीजन आई या ऐसी कोई ठंडी सीजन के बाद आई, बारिश की सीजन आई, ठंडा जैसा मौसम होता है तो वो टाइम पे फिर इनको थोड़ा होने मानता है या तो फिर वाइब्रेट होता है। ये सीवियर अभी जो 6-7 साल से जो इनको हो रहा है ना दर्द, तो ये एक बार हम बाय रोड कहीं पे ट्रैवलिंग पे गए थे, वहां पे कुछ किलोमीटर के रोड बहुत खराब थे, मतलब कुछ काम चल रहा था वहां पे, बहुत वाइब्रेट हुआ बस पे ट्रैवलिंग कर रहे थे, तब से ये जो पेन उठा है आज तक भी दवाई से भी वो मतलब ठीक नहीं हो पाया है, कुछ टाइम के लिए पूरी तरह से नहीं आ रहा जाता नहीं है पूरी तरह से। फिर हमने ये सोना भी इस तरफ से सो भी नहीं पाते, इस तरफ से राइट गाल से ये सो भी नहीं सकते, और कायम मुंह पे भी कपड़ा लपेट के सोना पड़ता है, क्योंकि फैन घर के दूसरे मेंबर फैन यूज करते हैं, तो साइड में सोना पड़ता है और उसकी वजह से वो कपड़ा ढक के सोते के वो हवा नहीं लगती, मतलब जैसे सर्दी में अपने के स्कार्फ बांधते उस तरीके से ये बिचार इनको करना पड़ता है। अभी ये यहाँ हाथ लगा था तो दर्द होता है,
अभी तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ ऊपर कुछ नहीं होता मुझे के आधे आधे पंचवाक्षर के बारे में मैंने ये सब गूगल से जो जानकारी ली फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम मिलके आते ससुर बात के बता क्या कि भाई क्या है ये तो फिर उन्होंने भी बोला कि ये लास्ट ऑप्शन इसका सर्जरी है आज से 3-4 महीने पहले हम आके गए थे ससुर के पास फिर हमने अभी और बहुत ज्यादा हो रहा है रमजान के बाद से हमारे को फिर हमने सोचा कि अब करवा ही लेते सर्जरी सर से ठीक तो फिर हमने ये डिसीजन ले लिया सर्जरी करवाने आपका नाम बताइए मेरा नाम इब्राहिम भाई चीची कहाँ पे रहते हो आप सूरत रानी तला गुजरात क्या तकलीफ थी आपको मुझे यहाँ तकलीफ थी बहुत दर्द होता था ये निरालिया का दर्द था और सर्जरी कब हुआ है आपका इसकी सर्जरी कल हुई है कल दोपहर में अभी ये कॉमन रूम में आ गए अच्छा ब्रेकफास्ट किया ठीक से हाँ। खाते वक्त आपको कुछ दर्द हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ दर्द नहीं हुआ जो पहले आपको होता था वो तो अभी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है नहीं, हाँ। खाना खाया आपने अभी यहाँ खाना खाया ना? आप अभी बात कर रहे हैं मुझसे हाँ। तो आपको दर्द हो रहा है नहीं पहले क्या क्या करते समय दर्द होता था आपको पहले तो मुझे है ना ये फैन से ठंडी हवा से ब्रश करने से बोलने से खाने से और गाड़ी स्कूटर चलाने से फिर और भी बहुत सी बातों से मेरे को नीचे देखने से ज्यादा टाइम नीचे देखने से ये होता था कुछ लिखना हो हाँ। उससे भी पेन होता था खट्टा खाने से तो अभी 24 घंटे नहीं हुए सर्जरी को आपके नहीं तो अभी खा पी सकते हैं आप अभी तो मैं खा पी सकता हूँ पानी पी सकता हूँ फर्स्ट क्लास तो खुश है कि नहीं आप सर्जरी से पहले तो पानी भी नहीं पी सकता था अभी तक अभी खुश हूँ खुश है जी हाँ दिखाइए आप सर्जरी कहाँ पे हुई है आपकी ये सर्जरी यहाँ ओके ठीक है ठीक है यहाँ पे देखिए सामने देखिए अभी इतनी देर बात कर रहे हैं आप मुझसे आपको पेन नहीं हुआ दर्द नहीं, नहीं हुआ साइनैप्स ब्रेन एंड स्पाइन फाउंडेशन में आपका स्वागत है ये मिस्टर इब्राहिम चीची इनका एलवीडी का सर्जरी हुआ है आज लगभग 14 दिन है और इनके आज टाके निकाले हैं तुमने कैसे हैं इब्राहिम जी आप आपका जो दर्द था वो चला गया है आज ये चल फिर रहे हैं पूरी तरह से ठीक है और कल ये अपने गांव सूरत जाएंगे तो मैं आपको बैठने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप बैठिए हम मैडम से थोड़ी बातचीत करेंगे आज ही इब्राहिम चीची जी के टाके निकाले हैं हमने और उनको अभी चलना फिरना बैठना उठना सब आसान हो गया है मेडिसिन अभी कम कर रहे हैं उनका जो पहले वो लेते थे और दर्द पूरा चला गया है वो सूरत से आए हैं यहाँ सर्जरी के लिए तो आज टाके निकाले हैं तो कल वो सूरत चले जाएंगे आज हमारे साथ उनकी मिसेस है मिसेस शरीफा तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे मेरा नाम शरीफा इब्राहिम चीची है मैं सूरत गुजरात से मेरे हस्बैंड को लास्ट 20 ईयर्स से ट्राइजिलेमनोरेजा की प्रॉब्लम थी बहुत दर्द होता था बीच में RFLG भी करवाया सिर्फ 3-4 साल कुछ अच्छे गए आराम से निकले कितनी बार करवाया था RFLG ये RFLG 2 बार कराया था एक 2010 में करवाया 3 साल अच्छे गए फिर उसके बाद 2013 में वापस से करवाया लेकिन वो फेल हो गया मतलब उसका कोई रिस्पांस हुआ नहीं वापस से वैसा ही दर्द चालू हो गया उनको लेकिन वो टैबलेट पर थे मेजोटल 200 लेते रहते थे उससे वो थोड़ा आराम मिलता था तो काम काज वगैरह में कर सकते थे लेकिन पेन उनको होता रहता था कभी भी आ सकता था जैसे कभी ऐसे विंटर सीजन में या ठंडी हवा ठंडी जगह पे उनको ज़्यादा ये तकलीफ रहती थी इससे बचने के लिए वो कहीं जा भी नहीं सकते थे ठंडी जगहों पर जाना भी अवॉइड करते थे खाना भी अवॉइड करते थे ठंडा पानी है कोल्ड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है वगैरह ये सब चीज़ों से बहुत वो अवॉइड करते थे
जैसे तैसे ऐसे लाइफ निकल रही थी, मतलब मैं प्रॉब्लम तो थी, कुछ बिजनेस क्राइसिस भी बहुत हो गए इसमें, कुछ काम में ध्यान नहीं दे पाते थे बिजनेस के रिलेटेड भी या कोई दूसरे भी काम में। जब भी ये दर्द होता था, सो जाना पड़ता था, तब वो रिलीफ होता था। पिछले लास्ट 10 ईयर्स से उनको ये दर्द बहुत होने लगा, फिर उन्होंने मेजोटल का डोज बढ़ाया, हमने न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात की, उन्होंने दवाई वो बढ़ा देते हैं, फिर बोले कम कर दो, न्यूरोलॉजिस्ट यही एडवाइस देते रहते थे, उसी हिसाब से हम चलते रहते थे अभी तक। मतलब मैं पेन था ही उनको, जो पेन उनको होता था, तो आपने बहुत नज़दीक से वो पेन देखा है जी, तो आप क्या महसूस करते थे वो पेन देख के? आप तो कुछ नहीं कर पाते थे। नहीं, मैं तो आपको क्या लगता था कि क्या करूँ मैं इनके लिए? क्या मन में आता? हाँ, बहुत बहुत दुख होता था, दिल में बहुत दिन दुखता था उनको ये प्रॉब्लम में देख के कि मैं क्या करूँ, कहाँ से कोई ऐसी दवा लाऊँ या क्या करूँ, कि रोना आ जाता था मुझे रात में जब ऐसे सोते थे ना, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्या करूँ, ऐसा तक है कि बोले आत्महत्या करने तक का भी उन्होंने मेरे से 2 बार बोला, ये गाल को बोले काट के फेंक दूँ, इस तक की भी उन्होंने ऐसे भी उन्होंने अल्फाज बोले, ऐसे भी बातें मैंने कही, लेकिन मैं उनको मोटिवेट करती थी कि दवाई पिए अच्छा हो जाएगा, देखेंगे कुछ करेंगे, फिर देखते हैं कुछ। फिर मैं गॉड से बहुत प्रे करती थी रात को कि भाई कुछ रास्ता दिखाओ गॉड, कोई ऐसा तो कोई रास्ता होगा जिससे ये बीमारी का इलाज हो, ये जाए, परमानेंट जाए, तब तक दवाई ऐसे लेते रहेंगे। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि ला ये ट्राइजेबल नॉलेज है क्या, ये क्या चीज़ है, ये किस वजह से होती है। मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा कि क्या करूँ, फिर मुझे डॉक्टर पंचवाक सर का गूगल पर, काफ़ी डॉक्टरों का आया ट्राइजेबल नॉलेज के बाद, लेकिन जो डॉक्टर पंचवाक सर की वीडियो मैंने देखी, उसमें जो उन्होंने सब लेक्चर दिए इसके बारे में वो मैंने सुने, और पेशेंट जो ये बीमारी से, ये ऑपरेशन जो सर ने जो पहले जो ऑपरेशन किए ऐसे पेशेंट के, उनके भी मैंने वीडियो देखे, उससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुई। फिर मैंने आपको बताया कि देखो ये डॉक्टर साहब है, अपने एक बार इनसे मिलेंगे, मिलेंगे जाके देखेंगे क्या है ये। वैसे सूरत में हम डॉक्टर को बोलते थे कि सर्जरी है इसका इलाज, लेकिन वो डरा देते थे उनको कि भाई ये रिस्की है, रिस्की तो है जब तक दवा से काम चलता है चला, लेकिन दवाई इतने हाई डोज पे आ गए थे अभी, उससे साइड इफेक्ट भी बहुत होते थे, जैसे पेट खराब हो जाना, बार बार हर 2 महीने में उनको लूज मोशन होना, ऐसा भी होता था, मैं बहुत से साइड इफेक्ट थे, नींद आ जाती थी, सो रहना, नींद आ जाता, हर काम छोड़ के सो जाना पड़ता था, दर्द हो तो सो जाना, ऐसे सब प्रॉब्लम बहुत होते थे। हाँ, ये काम हर काम पे होता था, हर काम पे होता था, वो चाहे घर के छोटे काम हो या बिजनेस रिलेटेड बड़े काम हो, सब पे होता था। फिर हम अभी 6 महीने पे पहले हम सर से, पंचवाक सर से यहाँ पूना में मिलने आए, उन्होंने हमें समझाया कि ये दवाई के क्या साइड इफेक्ट है, ये दवाई क्या असर करती है बॉडी पे, लीवर खराब करती है, बोले ये सर्जरी करा और को परमानेंट इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर हमको, हम लोगों ने बाद में 4-6 महीने के बाद, ये अभी बहुत 2 महीने से बहुत पेन हो रहा था, तो फिर हमने बोला कि अब सर्जरी करा लेनी है, हमने डरे बिना ये डिसीजन ले लिया, और सर पे मुझे बहुत भरोसा था क्योंकि इतने पेशेंट उन्होंने अच्छे किए थे, ये सबकी लाइफ बदल गई थी, उन्होंने बोला अभी इनका भी, मेरे हस्बैंड ने भी फिर ये तय कर लिया कि हम लोग ये सर्जरी करवाए लेते। फिर हम लोग यहाँ आए 13 मई को, सर से सब बातचीत करके नक्की करके 15 मई को उनका सर्जरी तय हुआ, उनका 15 मई को सर्जरी हुआ, और आज वो पेन रिलीफ है, बहुत अच्छी कंडीशन में हो गए, आज खा सकते, पी सकते, खाना अच्छी तरह से खा सकते, चबा सकते, पानी पी सकते, सो सकते, घूम सकते, फिर सकते। बहुत मैं पंचवाक सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन किया उनका, और अच्छे से आज वो लाइफ जी रहे, और उम्मीद है कि आगे भी जिएंगे, और ऐसे जो भी पेशेंट हैं जो हमें सुन रहे, देख रहे हैं, वो भी इनके
मोटिवेट हुए और सन्स को मिले और अपना परमानेंट सॉल्यूशन ये निकल क्योर करें। थैंक यू शरीफा जी, जी आपने बहुत अच्छा गाइड किया है। जी जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं ये तकलीफ लेके, डेफिनेटली आपका ये वीडियो उनको मदद करेगा। जी बहुत, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट हम तो पहले देख नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ सर के पास आने के बाद ऐसे भी पेशेंट बहुत देखे जो ये तकलीफ से जूझ रहे हैं, और ऐसे कितने होंगे पूरे इसमें हमारे आसपास तो नहीं होते, लेकिन कोई कहाँ होगा, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से, हमने अस्पताल में भी देखे कोई कहीं से आया है, कोई दूर से, नॉर्थ से आया है, कोई साउथ से आया है, कोई वेस्ट से आया है, कोई किधर से आया है, ऐसे बहुत से है पेशेंट जो सर के पास ये सब अपनी बीमारी का इलाज करा के आज अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं।